देख सकते हैं हम करी बनाने के लिए बेसन ले ली हूँ 200 ग्राम और प्याज 2 ठो काट ली हूँ, हरा मिर्चा 2-3 ठो काट ली हूँ और लहसुन काट ली हूँ और इसको मिला के पकौड़ा बना रही हूँ। तो और इसमें अंदाजन से पानी अपनी डाल रहे हैं, अपने अंदाज से उसको फेंट ले रही हूँ। इसको फेंट के मैं फिर दिखा रही हूँ। तो देख लीजिए, 1 चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ तो इसमें नमक मिला दे रही हूँ। हल्का मसाला अब बस हो गया, अब इसको भी मिला दे रही हूँ। तो अब देख सकते हैं मेरा तेल गर्म हो गया है। इसमें डाल दे रही हूँ बहुत ही टेस्टी होता है प्याज और लहसुन हरा मिर्चा डाल देने से, और हल्दी भी डाल दी हूँ। आप लोग इस तरह बना कर खाइएगा तो कमेंट में लिखिएगा कि कैसा बना है कैसा नहीं। देख सकते हैं एक तरफ से हो गया है। एक तरफ हो गया है, दूसरी तरफ हो गए हैं इसके नीचे। तो देख सकते हैं थोड़ा सा मैं पानी लेने गई थी बस लाल हो गया था, तो इससे तो हरा में रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो अब बना रही हूँ तो अच्छा रहेगा। तो देख सकते हैं इसमें हम पानी में करी के लिए
इसको घोल ली हूँ। इसमें अच्छे से मिला लीजिए, नहीं फुटकी ना रहे, फुटकी रहने पर अच्छा नहीं लगता है और वो कांचा ही रह जाता है। देख सकते हैं मैं लहसुन ली हूँ, लहसुन है, पचफोरन है, तेजपात है, हरा मिर्चा है, लौंग है, एक ठो इलायची है। इतना ही सामान हम लोग अभी सबको एक साथ डाल देते हैं और इसको चला ले रहे हैं। ये लाल हो जाएगा, फ्लेम को तेज कर रहे हैं, लाल हो जाएगा। देखिए इसमें इसमें हल्दी है, हल्दी फिला तो आप देख सकते हैं एक चम्मच के अनुसार हल्दी जा रही है। हल्दी इसका मेन परिकरण की है, करी हल्दी में करी अच्छा नहीं लगता है, हल्दी पहले डाल देते हैं, हल्दी पक जाता है तो करी अच्छा लगता है। लोग क्या करते हैं कि सब घोल के डाल देंगे उसके बाद हल्दी डालेंगे तो कच्चा लगता है ना, इसलिए हम लोग पहले हल्दी इसमें डाल देते हैं तो पक जाएगा। अब देखिए हम बेसन घोल के रख ली हूँ, इसको चला और इसमें डाल देंगे थोड़ा थोड़ा लाल हो गया है, ठीक है। और ये माठा घोल के दही को रख दिए थे और इसको चलाते रहना है, चलाते रहना है। देख सकते हैं तो देख सकते हैं अपनी बेटी के लिए दे रही हूँ चिकने के लिए। देखिए खा रही है, चमकालू बेटी है मेरी कैसा लग रहा है बोलो? अच्छा। तो देख सकते हैं मैं इसमें क्या है डाल दी हूँ और सर्व करके दिखाऊंगी। और पहले नमक नहीं डालना है, नमक डालने से पहले फट जाता है दही वाला करी है,
और जो टमाटर डाल के बनता है वैसा ही बनता है। नमक शुरू में भी डाल सकती हैं, बाद में भी डाल सकती हैं, लेकिन दही वाला में ना बाद में नमक पड़ता है, तो मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। हम एक चम्मच हम लोग कम खाते हैं, अपना अपना स्वाद अनुसार नमक डाला जाता है। आप लोग जितना खाते होंगे डाल दीजिएगा। तो दही मेरा खट्टा था इसलिए मैं और थोड़ा सा डाल देती हूँ। अब इसको ऑफ कर देती हूँ। ऑफ कर दी हूँ, देख लीजिए। और इसमें अब थोड़ा सा जाके धनिया पत्ता काट के लाती हूँ, उसके बाद डाल रही हूँ। देखिए अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, डिसलाइक मत कीजिएगा।